कुंड में दलित बच्ची के बलात्कार मामले में पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी, राजधानी में कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। सरकार ने जारी किए आंकड़े, पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में हुई 400 घटनाएं, 85 सुरक्षा बलों ने गवाई जान। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल मिली हार, अर्जेंटीना ने 2-1 से दी मात। पहलवान रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश, गोल्ड मेडल से अब एक कदम की दूरी। लखनऊ में साइकिल चलाएंगे अखिलेश यादव, पूरे यूपी के लिए सपा की खास तैयारी। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। पूर्व सीएम ने डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र छात्राओं की सफलता के पीछे अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि सभी अभिभावकों को बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसको पूर्ण रूप से सफल होने तक प्रोत्साहित करना चाहिए। संस्था ने हमारा गौरव बढ़ाया है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महाराज देवेंद्र स्वरूप जी की स्मृति को समर्पित इस संस्था ने ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। काबिल बच्चे तैयार किए हैं। अब 99.6% आदि कल्पना से परे हमारे बच्चे निकल रहे हैं, तो बेहद खुशी होती है। तो इसलिए मेरी दिल में कई दिनों से इच्छा थी कि मैं ब्रह्मस्वरूप जी का नागरिक अभिनंदन करूं, वो तो मैं करूंगा। देखिए, जयराम आश्रम एक धार्मिक संस्था है। ये डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ऋषिकेश की पवित्र भूमि पर इसलिए खोला है कि यहाँ जिस तरह की देवभूमि है उसी तरह से बच्चों में संस्कार भी पैदा होने चाहिए और अच्छी शिक्षा दे करके देश के प्रति समर्पित करने की भावना हमारी स्कूल की है। 4 साल से लगातार 99.68% मार्क्स बच्चों के आते हैं और सभी बच्चे संस्कारवान भी, जहाँ अच्छी शिक्षा है वहाँ उच्च संस्कार भी यहाँ के बच्चों के हैं। ऋषिकेश में चल रहे 3 दिवसीय कांग्रेस के मंथन शिविर के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा के मोदी मैजिक पर तंज कसा। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा, जनता बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है, अब जनता ही बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी जनहित के सभी मुद्दों में फेल नजर आ रही है, चाहे मुद्दा तीर्थ पुरोहितों से जुड़ा हो, भू कानून से जुड़ा हो या फिर बेरोजगारी और महंगाई से जुड़ा हो। देखिए, कहते ना, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े सब्ज बाग उत्तराखंड के लोगों को दिखाने का काम किया। किसानों को ऋण माफी का वादा किया, नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार महंगाई अपने चरम पर है। अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वादा किया था, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। हरिद्वार के अंदर कुंभ के दरमियान जो टेस्टिंग हुई, उस टेस्टिंग में जो घोटाला हुआ वो आपके सामने। पतंजलि योग के द्वारा जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर निशुल्क पौधा वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि कर्मचारियों के द्वारा आने जाने वाले राहगीरों को निशुल्क औषधीय पौधे वितरित किए गए। पतंजलि के कार्यक्रमों ने बसों से यात्रा कर रहे लोगों को भी पौधे वितरित किए, जिसमें नीम, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा के पौधे भी शामिल थे। तो आज हरिद्वार में जड़ी बूटी दिवस मनाया गया है, जहां पर सभी नागरिकों को पौधे वितरित करके उनसे आग्रह किया गया कि सभी लोगों को पौधारोपण करना चाहिए। आपको बता दें कि आज हरिद्वार में जड़ी बूटी दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ पतंजलि पीठ के लोगों ने मनाया है। इसी कड़ी में सभी नागरिकों को औषधीय वृक्ष भी भेंट किए गए हैं।
पतंजलि योग पीठ के महामंत्री एवं विख्यात आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण का आज जन्मदिवस है और इसे बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण का जन्म पतंजलि योग पीठ के द्वारा 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार भी कोरोना संक्रमण के चलते पतंजलि योगपीठ फेज 2 में सूक्ष्म रूप से उनका जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण के जन्मोत्सव पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव ने रक्तदान किया। आज पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं और कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, नीम, तुलसी, एलोवेरा पूरे देश में हम वितरित कर रहे हैं। हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं और हम ये मानते हैं कि ये सारी जड़ी बूटियां हर्षित हैं, आह्लादित हैं कि एक युग नायक, एक युग पुरोधा अपने जीवन की रक्षा के लिए हम जड़ी बूटियों का संरक्षण संवर्धन करें। और अभी वर्षा का मौसम है तो पूरे देश के सभी नागरिकों से, सभी भाई बहनों से हम आग्रह करते हैं कि प्रयास से जड़ी बूटियां लगाइए, प्रयास से योग अभ्यास प्राणायाम करिए तो प्रयास से बीमारियां दूर भागेंगे। हरिद्वार में आज आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन मनाया गया है। आपको बता दें कि पतंजलि योग पीठ की तरफ से आज जड़ी बूटी दिवस के रूप में आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में आज ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत आज बालकृष्ण आचार्य और योग गुरु बाबा रामदेव ने रक्तदान किया। नैनीताल में देहरादून निवासी विजयपाल सरकार द्वारा स्कूलों को खोले जाने संबंधी शासनादेश को याचिका के जरिए चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में बच्चों के स्कूल खोलने बहुत ज्यादा गलत है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित होने की बात सामने आई थी, लेकिन सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है जो कि गलत है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त नियत की गई है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बोर्ड ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें से 16 प्रस्तावों पर सहमति बनाते हुए प्रस्ताव पास किया गया है। बोर्ड बैठक में दुग्ध उत्पादों और उपभोक्ताओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बाजार में नए उत्पाद उतारने पर सहमति बनी। इसके साथ ही रक्षाबंधन त्योहार में अब आंचल में गाय के दूध भी आधा किलो पाउच में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही मस्त दही और लस्सी का उत्पादन भी किया जाएगा। लक्सर के भीकमपुर उप जिलाधिकारी की ओर से कलेक्ट्रेट बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें भीकमपुर, जीतपुर के आसपास के करीब 4 गांवों से घर घर जाकर शिकायतें ली गई, जिसमें 213 शिकायतें प्राप्त की गई। इस शिविर में तहसील स्तर के सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाया गया और शिकायतों के निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया गया है। आज इंटर कॉलेज भीकमपुर में एक जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। यह एक नया कॉन्सेप्ट है कोविड-19 के दौर में। इसमें कॉन्टैक्ट लेस शिविर है, इसमें जितने भी हमारे गांव हैं इस विद्युत में 6 गांव को हमने कवर किया है और उनमें हमने ग्राम स्तरीय जो हमारी निगरानी समिति है उनके माध्यम से घर घर से जो हमने उनकी शिकायतों को प्रार्थना पत्र के रूप में संकलित किया। वहीं लक्सर क्षेत्र के धनपुरा गांव में एक राशन की दुकान पर SDM ने औचक निरीक्षण किया। SDM को पिछले कई दिनों से राशन दुकान संचालक के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। SDM ने मौके पर पहुंचकर जिला पूर्ति अधिकारी को भी बुलाया। ग्रामीणों ने SDM को बताया कि राशन डीलर सिर्फ रविवार को ही दुकान खोलता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं और राशन नहीं मिल पाता है। जांच के दौरान तमाम गड़बड़ी भी सामने आई है, जिसको लेकर SDM ने जांच के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो लक्सर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां SDM की औचक कार्यवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक राशन की दुकान पर SDM ने औचक निरीक्षण किया। लगातार SDM को शिकायत मिल रही थी कि राशन दुकान का संचालक मनमानी पर उतारू है। ग्रामीणों ने भी साफ तौर पर
आरोप लगाया है कि जो दुकान का संचालक है वो सिर्फ रविवार को ही दुकान खोल रहा था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ से काफी कंप्लेंट्स आई थी उप जिलाधिकारी के नाम से, तो मुझे पर्सनली एक बार विजिट करा, देखा गया जो साइट पे पाए गए लोगों के इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी काफी ज्यादा हैं, कई अनियमितता पाई गई हैं। तो कल एक कैंप लगाया जा रहा है, कैंप के दो लक्ष्य रहेंगे। पहला लक्ष्य रहेगा जो भी इनके राशन रिलेटेड इशूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करा जाए, राशन कार्ड रिलेटेड इशूज को सॉर्ट आउट किया जाए, और दूसरा जो भी अनियमितता हुई है, जो इल्लीगल चीज़ें करी गई हैं वो दूसरा, उसका भी निस्तारण होगा। खानपुर थाना क्षेत्र के तुलगपुर गांव में का रहने वाला युवक पिछले कई दिनों से लापता बताया जा रहा है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। खानपुर थाना पुलिस ने युवक की तलाश के लिए टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि युवक की हत्या के पीछे उसकी पत्नी का हाथ था, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो लक्सर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि युवक 20 दिनों से लापता चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद गुमशुदगी का मामला हत्या में तब्दील हो गया। वहीं जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि आरोपी उसकी पत्नी ही निकली। आपको बता दें कि युवक की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद अब आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक जय भगवान है, जो गुमशुदा था, अब पता चला उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी पत्नी अर्चना को अरेस्ट किया गया है। दो अभियुक्त इसमें और सम्मिलित है, जो लाश वगैरह को ठिकाने लगाने के लिए सम्मिलित रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और डेड बॉडी की जो है बाण गंगा में जो है सर्च करवाया जाए, जल्द पुलिस के द्वारा सर्च कराया। चमोली जिले के नारायण बगड़ परखाल डुंगी मोटर मार्ग पर ट्राला वाहन अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्राला सवार दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर में इलाज के लिए रेफर किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक राजेश्वरी रावत ने बताया कि वाहन चालक मृतक की शिनाख्त सुरेशानंद भारद्वाज ग्राम मींग के रूप में हुई है, जिसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही को शुरू कर दिया गया है। तो चमोली से ये हादसा सामने आया है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही चालक के साथ मौजूद अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी के परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनएसएस के छात्र छात्राओं व महाविद्यालय स्टाफ के द्वारा पौधारोपण किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने छायादार, फलदार और औषधीय पौधों का रोपण किया। आपको बता दें कि पौधों की सुरक्षा और उनमें खाद पानी डालने की जिम्मेदारी विद्यालय में गठित छात्र छात्राओं की टीमों को दिया गया है। तो नरेंद्र नगर से ये खबर सामने आई, जहां पर महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परिसर में मौजूद छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया, जिसमें कई तादाद में पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही अब विद्यालय में छात्र छात्राओं की एक टीम का गठन किया गया है, जो आगामी दिनों में पौधों की सुरक्षा और उसमें खाद पानी डालने की जिम्मेदारी संभालेंगे। आज महाविद्यालय में एनएसएस छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। यह बरसात का मौसम है और इस मौसम में वृक्ष बहुत जल्दी पनप जाते हैं, और वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, और इसके लिए ही छात्रों द्वारा विशेषतः वृक्षारोपण कराया जाता है। पुलिस लाइन रोशनाबाद परिसर में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के मद्देनजर हर्बल वाटिका में पौधारोपण किया गया। इस दौरान एसएसपी सेंथिल अबुदय और उनकी पत्नी सुधा सेंथिल भी मौजूद रही। हर्बल वाटिका में तमाम तरह के औषधीय पौधों को लगाया गया, जिसमें सतावर, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी के पौधे शामिल थे। तो रोशनाबाद में भी आज पुलिस लाइन में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एसएसपी और उनकी पत्नी भी शरीक हुई। आपको बता दें कि औषधीय पौधों का इसमें रोपण किया गया है, जिसमें सभी लोगों को जानकारी दी गई कि सभी लोगों को पौधारोपण करना चाहिए और प्रकृति को हरा भरा बनाए रखना चाहिए। ये इनिशिएटिव बेसिकली एसएसपी सर और उनकी मैडम का रहा है कि एक हर्बल यहाँ प्लांटेशन होना चाहिए,
क्योंकि इससे मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू के बारे में भी पुलिस लाइन के लोगों को जागरूक कर सकें, उनके लिए ये यूज़फुल भी हो सके कि वो उसको यूज़ भी कर सकें और शायद अपने घरों में भी उसको लगा सकें। तो उसके लिए ये वाटिका बनाई गई है और इसकी केयर वगैरह भी पुलिस लाइन के लोगों को ही दिया गया है कि वही इसकी केयर करेंगे और वही इसका यूज़ भी करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।